आप लोग एक हमेशा विवाद सुनते रहते होंगे, चीन और ताइवान का विवाद। फिर से अभी ये विवाद में आ गया है। क्यों आ गया है देख लेते हैं। याद रखिए, इससे आपका हमेशा क्वेश्चंस बनता आया है, प्रीलिम्स में भी बनता रहता है और भी जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ लेता है। ठीक है, अभी ये हाल है चाइना का कि जितने भी देशों से इसकी सीमा लगती है, 13, करीब 13 देशों से सभी से लगभग विवाद इसका चल रहा है। भारत की बात की जाए तो आप देखेंगे भारत में ए हमारा एशिया हो गया, इसमें हम देखेंगे एशिया में ए हमारा भारत, ये ऊपर चाइना है। चाइना से हमारी सीमा नहीं लगती थी। आपको मालूम होना चाहिए कि तिब्बत को जब से चाइना ने अपने कब्जे में लिया है तब से हमारी सीमा चाइना से भी लगने लगी है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि लद्दाख में यहाँ विवाद चल रहा है। कुछ समय पहले आपने देखा था कि सिक्किम के पास, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को तो पूरा हिस्सा अपने आप को बताता रहता है कि मेरा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश चाइना। ठीक है, तो अभी जो ताइवान न्यूज में है, ये है ताइवान, इसकी ताइपे इसकी एक तरह से राजधानी है। ठीक है, और चाइना ये है आपका, इसकी राजधानी बीजिंग है, तो इसी के बारे में हमें बात करनी है। हांगकांग विवाद भी आप लोग सुनते रहते हैं, ये है हांगकांग। दक्षिण चीन सागर विवाद सुनते रहते हैं, ये है दक्षिण चीन सागर विवाद। ठीक हाल में क्यों चर्चा में है? बीते दिनों भारत और चीन के संबंधों में तनाव के चलते चीन ने अपने 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास के दौरान ताइवान की सीमा के करीब अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिससे चीन और ताइवान के बीच तनाव और अधिक गहरा गया है। एक बात और आपको बताऊं, चीन जो है ये राजतंत्र का, एक तरह से राजतंत्र का पक्षकार है। आप समझ रहे हैं, मतलब कि यहाँ कोई आजादी नहीं है मीडिया को, फिर चाहे किसी व्यक्ति की बात कर लीजिए, लेकिन ताइवान हमेशा लोकतंत्र की बात करता है, एक तरह से आजादी की बात करता है। चीन का यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप मंत्री ताइवान के दौरे पर हुए थे। यानी कि जो अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल ही में ताइवान का दौरा किया था। चीन के युद्धाभ्यास के संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस अभ्यास में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के कुल 18 हवाई जहाज शामिल थे, और इसका उद्देश्य चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की संयुक्त संचालन क्षमता का परीक्षण करना था। क्या करना था? परीक्षण करना था। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में ताइवान द्वारा जारी बयान के अनुसार, चीन युद्धाभ्यास के माध्यम से इस क्षेत्र की शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। जानकारों के अनुसार यद्यपि चीन की इस कार्यवाही के कई कारण हो सकते हैं, किंतु इनमें मुख्य कारण हाल के कुछ दिनों में ताइवान और अमेरिका के बीच नजदीकी संबंधों को माना जा रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि अमेरिका कुछ ज्यादा ही यहाँ इंटरफेयर कर रहा है, मतलब यहाँ एक तरह से बात कर रहा है ताइवान के बारे में, हांगकांग के बारे में, इन सब के बारे में। अब बात करते हैं चीन ताइवान की विवाद की पृष्ठभूमि की बात कर लें अगर हम लोग, तो उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार तांग राजवंश, एक अब की बात है, 618 से 907 ईस्वी के समय से ही चीनी लोग मुख्य भूमि से बाहर निकलकर ताइवान में बसने लगे थे। वर्ष 1624 से 1661 तक चीन एक डच यानी कि वर्तमान में नीदरलैंड उपनिवेश था। हालांकि चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें वर्ष 1894 की घटना पर नजर डालने की आवश्यकता है, जब चीन के चिंग राजवंश और जापान के साम्राज्य के बीच पहला चीन जापान युद्ध लड़ा गया। कब? 1894 की बात है। तकरीबन एक वर्ष तक चलने वाले इस युद्ध में अंततः जापानी साम्राज्य की जीत हुई और जापान ने कोरिया और दक्षिण चीन सागर में अधिकांश भूमि पर कब्जा कर लिया, जिसमें ताइवान भी आपका इनका शामिल था। ठीक है, जापानी सेना के विरुद्ध मिली हार के कारण चीन की जनता में राजतंत्र के विरुद्ध संदेह पैदा हो गया और चीन में राजनीतिक विद्रोह की शुरुआत हो गई। चीन में विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1911 में की हुई हो गई थी। कब? 1911 में। 12 फरवरी 1912 को चीन में साम्राज्यवाद समाप्त कर दिया गया। इस तरह चीन में राष्ट्रवादी कॉमिंग तांग पार्टी की सरकार बनी और जितने क्षेत्र चिंग राजवंश के अधीन थे वे सभी चीन की नई सरकार के छत्राधिकार में आ गए। एक अब की बात है 1912 की।
इस दौरान चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया। क्या? रिपब्लिक ऑफ चाइना। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद ताइवान पर भी फिर से राष्ट्रवादी कॉमिंग कॉमिंग तांग पार्टी का अधिकार मान लिया गया। वर्ष 1949 में चीन पूर्णता गृह युद्ध की चपेट में में था। इसी दौरान माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई से के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कॉमिंग तांग पार्टी को सैन्य संघर्ष में हरा दिया और चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित हो गया जो अभी भी है। इस दौरान चियांग काई शेक राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी के सदस्यों के साथ ताइवान चले गए और वहां उन्होंने अपनी सरकार बनाई। याद रहे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी उस समय ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाई थी क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की नौसैनिक क्षमता काफी कम थी। तो आपको समझ में आया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये चाइना, अभी जिसमें आप चाइना को देख रहे हैं यहाँ रह गई, और जो ताइवान की बात कर रहा हूँ यहाँ कॉमिंग तांग पार्टी, यहाँ उनके लोग जाकर यहाँ बस गए। सत्ता में आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन का आधिकारिक नाम बदलकर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया। वहीं ताइवान अपने को आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में संबोधित करने लगा। अब बात करते हैं चीन ताइवान विवाद संबंधी मुख्य बिंदु क्या है। अब चीन और ताइवान के बीच सबसे बड़ा विवाद आधिकारिक पहचान को लेकर है, जहां एक ओर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए आधिकारिक मान्यता चाहती है, वहीं ताइवान के लोग रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए आधिकारिक मान्यता चाहते हैं। याद रहे कि विश्व के अधिकांश देश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को तो मान्यता देते हैं, लेकिन रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने वाले देशों की संख्या काफी कम है। इसके अलावा आप देखेंगे चीन का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ताइवान को चीन के अभिन्न अंग के रूप में देखता है, और इस वर्ग को एक चीन नीति वन चाइना पॉलिसी का समर्थक माना जाता है। इस समूह के अनुसार ताइवान चीन का अभिन्न अंग है, जो लोग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अपनी कूटनीतिक संबंध समाप्त करने होंगे। एक समय आप देखते थे ना कि हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है पीओके वाला, ये अभिन्न अंग है हमारा, समझ रहे हैं अभी? तो इसी तरह ये भी चाइना इसे अपना अभिन्न अंग मानते हैं। इस नीति के समर्थक मानते हैं कि ताइवान चीन का ही हिस्सा है और कुछ समय के लिए चीन से अलग हो गया तथा जल्द ही इसे कूटनीतिक अथवा सैन्य माध्यम से चीन में शामिल कर लिया जाएगा। कई विद्वान चीन की हालिया कार्रवाई को इस नीति के दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। ताइवान की भौगोलिक स्थिति भी देख लीजिए आप लोग, यह है आपकी ताइवान, ठीक है? ताइवान पूर्वी एशिया का एक द्वीप है जिसे चीन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक विद्रोही क्षेत्र के रूप में देखती है। आज का जो हमारा एक तरह से, अगर आपको मानना है तो एक तरह से पीओके वाला हिस्सा हमारा मान लीजिए जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, ठीक है? लेकिन स्थिति हमारी अलग है, उनकी अलग है स्थिति, समझ रहे हैं? ये नहीं कह सकते हैं कि हम चाइना की जैसे हैं, ठीक है, ये गलत कहना है, लेकिन एक तरह से ऐसा ही है। तकरीबन 36,197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप की आबादी 23.59 बिलियन के आसपास है। ताइवान की राजधानी ताइपे है जो कि ताइवान के उत्तरी भाग में स्थित है। ए देख रहे हैं आप लोग, जहां एक ओर चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है, वहीं ताइवान में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यानी कि आप कहने के मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, आप समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ कई पार्टियां हैं अपना एक तरह से लोकतंत्र में, जिस तरह हमारे यहाँ देखते हैं ना कांग्रेस बीजेपी और भी पार्टियां हैं अपनी लड़ती रहती हैं चुनाव में, ठीक है? इसी तरह ताइवान के लोग अमाय, स्वातो और हक्का भाषाएं बोलते हैं। मंदारिन राजकार्यों की भाषा है, मंदारिन राजकार्यों की भाषा है, ये चाइनीज भाषा है, ठीक है? हालिया संघर्ष के निहितार्थ की बात करें, चूंकि चीन और ताइवान के बीच किसी भी प्रकार का आधिकारिक संवाद तंत्र नहीं है, जिसका अर्थ यह है कि चीन और ताइवान के बीच किसी भी प्रकार का आकस्मिक संघर्ष होता है तो उसे समाप्त करना अपेक्षाकृत काफी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जानकार ये भी मानते हैं कि चीन अपनी मिसाइलों और साइबर हमलों के माध्यम से ताइवान को किसी भी समय युद्ध में पछाड़ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे चाइना काफी पावरफुल है। इससे यदि भी ताइवान की सेना पूर्णतः प्रशिक्षित और सशक्त है, किंतु चीन की सेना के सामने ताइवान की सेना काफी छोटी है, इसलिए सैन्य मोर्चे पर ताइवान के लिए चीन का सामना करना मुश्किल हुआ। हालांकि युद्ध चीन के लिए भी
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और आर्थिक दृष्टिकोण से काफी नुकसानदायक होगा। और संभव है कि इस प्रकार के युद्ध के पश्चात चीन को पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़े। चाइना भी कभी नहीं चाहेगा कि हमारा इससे ताइवान से युद्ध हो, क्योंकि एक एक तरह से छवि उभर के आ जाती है वर्ल्ड में, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे चीन ताइवान विवाद में अमेरिका की क्या भूमिका है, अमेरिका भी आप देखते रहते हैं। तो चीन ताइवान विवाद में अमेरिका की भूमिका को शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में खोजा जा सकता है। याद रहे कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की शीत युद्ध नीति में ताइवान की महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका को स्वीकार किया गया था, और शीत युद्ध के शुरुआती दौर में ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन प्राप्त था। हालांकि 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की चीन यात्रा के बाद अमेरिका चीन संबंधों के साथ साथ अमेरिका ताइवान संबंधों में भी परिवर्तन आने लगा। 1 जनवरी 1979 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी और चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए थे। साथ ही अमेरिका ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए थे। ये 1979 की बात है, ठीक है। आज अमेरिका चीन ताइवान संबंध एक बार पुनः बदल गए। चीन अब विश्व की कुछ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। वहीं धीरे धीरे पूर्वी एशिया में अपना आधिपत्य स्थापित करने की ओर अग्रसर भी है। कौन? चीन। ऐसी स्थिति में चीन अमेरिका के वर्चस्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। यही कारण है कि अमेरिका चीन का मुकाबला करने के लिए ताइवान का समर्थन कर रहा है। और आज जो हमारे पक्ष में है अमेरिका, अमेरिका का मतलब है, आप समझिए, अगर चाइना को रोकना है आगे बढ़ने से, तो समझिए कि भारत की जरूरत है चाइना को, अमेरिका को, इसलिए भारत के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। बना आप समझिए, आज से कुछ समय पहले आप देखते थे कि चाइना की तरफ और पाकिस्तान की तरफ झुकाव रहता था अमेरिका का, ठीक है। एक तरह से मतलब बदलते दोस्त बदल जाते हैं। भारत ताइवान संबंध की बात करें, भारत का क्या स्टैंड है इस पर? भारत और ताइवान के बीच संबंधों की शुरुआत वर्ष 1995 में तब हुई जब भारत और ताइवान द्वारा मिलकर संयुक्त तौर पर गैर सरकारी सहभागिता को बढ़ाने हेतु इंडिया ताइपे एसोसिएशन आईटीए की स्थापना की गई। इसलिए भारत ताइवान के संबंधों की औपचारिक शुरुआत 1990 के दशक में मानी जाती है। याद रहे कि भारत संयुक्त राष्ट्र के उन 179 सदस्य देशों में से एक है जिसने ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किया है, समझ गए। हालांकि जानकार मानते हैं कि भारत समेत विश्व के तकरीबन 80 देश ऐसे हैं जिन्होंने ताइवान के साथ अनौपचारिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए हुए हैं। याद रहे कि हाल ही में ताइवान ने कोरोना वायरस रोगियों के इलाज में लगे चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए भारत को 1 मिलियन फेस मास्क प्रदान भी किए थे। यानी कि आप समझिए कि ताइवान चाह भी रहा है कि मतलब हमें भारत से दोस्ती की जाए। एक बात और हमेशा याद रखिए, आप लोग देखिए कि वायकॉट चाइना सामानों को या व्यापार पूरी तरह से रोक देना एक कोई किसी बात का सॉल्यूशन नहीं होता है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। अब देखिए चीन क्या करता है, यहाँ हमने अगर 370 उठाई तो उसमें उस तरह से पाकिस्तान का साथ दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी एक तरह से आपकी ये रणनीति बनानी चाहिए। हमें तिब्बत का मामला उठाना चाहिए, हमें देखिए हांगकांग का मामला उठाना चाहिए, ताइवान का मामला उठाना चाहिए। इन मामलों को उठाकर हमें चाइना का घेराव करना चाहिए, समझ रहे, तब हम भी अपने एक तरह से पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो ये स्थिति है आपकी ताइवान और चीन के विवाद की, ठीक है।